श्री गौड़ ब्राह्मण समाज सर्व ब्राह्मण समाज एकजुट होकर निकालेगा अपने आराध्य देव भगवान परशुराम की शोभा यात्रा। पत्रकार वार्ता में समाज के पदाधिकारियों ने ये जानकारी दी है। भगवान विष्णु के छठे अवतार ब्राह्मण एवं विप्र जनों के आराध्य देव भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर श्री गौड़ ब्राह्मण समाज सर्व ब्राह्मण समाज दुर्ग द्वारा 7 मई शनिवार को भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शोभा यात्रा मुख्य रूप से निकाली जाएगी। गौरतलब है कि पूरे देश एवं प्रदेश में 1 मई से 8 मई तक श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव पर परशुराम सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग जिलों एवं प्रदेशों में ऐतिहासिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में श्री गौड़ ब्राह्मण समाज दुर्ग द्वारा 3 मई अक्षय तृतीया श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव पर सुबह 10 बजे श्री परशुराम भवन शिवनाथ नदी रोड पर पूजा अर्चना एवं आरती का आयोजन किया गया। इसके पश्चात प्रतिदिन शहर के अलग अलग स्थानों में समाज के विद्वान पंडितों एवं आचार्यों द्वारा श्री परशुराम जी की जीवन कथा पर वर्णन करते हुए कथा बताई जा रही है एवं समाज के सभी सदस्यों को 7 मई शनिवार को आयोजित श्री परशुराम भव्य शोभा यात्रा में सम्मिलित होने पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपील किया गया है। सभी ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों सदस्यों से अनुरोध है कि शोभा यात्रा में अवश्य सम्मिलित होवे। भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा में बिना किसी भेदभाव से आप सभी इस शोभा यात्रा में साधर बने। श्री गौड़ ब्राह्मण समाज सर्व ब्राह्मण समाज दुर्ग द्वारा शनिवार को अपने आराध्य देव भगवान श्री परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि अग्रसेन भवन स्टेशन से प्रारंभ होकर पुल सायपारा इंदिरा मार्केट मोती कॉम्प्लेक्स सदर बाजार गांधी चौक शनिचरी बाजार सत्ती चौरा माँ दुर्गा मंदिर होते हुए परशुराम भवन शिवनाथ नदी रोड जाएगी। शोभा यात्रा में सर्व ब्राह्मण समाज के सभी लोग उपस्थित होंगे। शोभा यात्रा को लेकर समाज के सम्मानित संरक्षक गण अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी पिछले 10 दिनों से पूरे प्रदेश का दौरा कर पूरे प्रदेश के ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों सदस्यों को शोभा यात्रा में आमंत्रित भी कर रहे हैं। शोभा यात्रा में पूरे प्रदेश के मुख्य पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं पूरे प्रदेश का दौरा करने के पश्चात समाज के संरक्षक लखनलाल शर्मा, संरक्षक रामफल शर्मा एवं अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि शोभा यात्रा को लेकर समाज जनों में उत्साह का माहौल है। इसमें दुर्ग जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में निवास कर रहे 34 ब्राह्मण वर्ग उपवर्ग के महिला पुरुष उत्साह के साथ सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश भर में निमंत्रण बांटे गए हैं। पहली बार ऐसा होगा कि प्रदेश के कई जिलों से ब्राह्मण समाज इस यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही उन जिलों के सर्व ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारी सदस्य उपस्थित होंगे। शोभा यात्रा में बाजा, धुमाल, डीजे, भगवान श्री परशुराम जी का रथ, साथ ही साथ आकर्षक झांकी भी आकर्षण का केंद्र होगी। इस संबंध में न्यूज टीम को समाज के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। समाज और सर्व ब्राह्मण समाज के संयुक्त तत्वाधान में भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा जो कि स्टेशन रोड अग्रसेन भवन से प्रारंभ होकर उलसाया पारा इंदिरा मार्केट मोती कॉम्प्लेक्स गांधी चौक होते हुए हमारे परशुराम भवन निर्माणाधीन भवन जो कि श्रीनाथ नदी तट पुष्पवाटिका के पहले वहाँ पर समाप्ति होगी। इस शोभा यात्रा में ब्राह्मण समाज के सभी महिलाएं पुरुष बड़ी संख्या पर उपस्थित हो रहे हैं। प्रदेश से भी बहुत सारे पदाधिकारी शोभा यात्रा में उपस्थित हो रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो है राष्ट्र प्रेम बहुत आवश्यक है, तो हर अवतारों में जो हमारे सृष्टि के सिर्फ भारत के नहीं जो संचालक और नियंत्रण महाविष्णु है, महाविष्णु ही इस सृष्टि के ब्रह्मांड के नायक हैं। हर रूपों में उन्होंने प्राणी जगत को, प्रकृति को, मानव समाज को एक संदेश दिया है। तो आवेशावतार के रूप में उन्होंने विधर्मियों का इस धरती पे जिन्होंने भी अधर्म का साथ दिया है, धर्म का साथ नहीं दिया है, विशेष रूप से हर धर्म में भगवान विष्णु गौपालक के रूप में आए हैं। भगवान परशुराम भी गौ रक्षा का संकल्प लेके मानव समाज को एक सेवा भाव का संदेश दिया है। गौड़ ब्राह्मण समाज सर्वदा जो है सनातन पद्धति से भगवान परशुराम और महाविष्णु के बताए हुए हर अवतारों में जो भी सेवा भाव है उस सेवा संकल्प को लेकर हम आगे बढ़े। श्री परशुराम जी की शोभा यात्रा 7 मई दिन शनिवार को शाम को 4 बजे अग्रसेन चौक से प्रारंभ होगी। इस शोभा यात्रा में सांस्कृतिक आयोजन, संगीत आयोजन, भजन का समावेश है और आपका ये मोती कॉम्प्लेक्स होते हुए शनिचरी बाजार होते हुए और आपका गंजपारा में इसका समापन होगा। हम लोग भगवान श्री परशुराम जी के हमारे आराध्य देव हैं और उनके
उनके हम वंशज होते हुए, उनके वंशज होने के कारण ये संदेश देना चाहते हैं कि शहर में हमारे समाज के अलावा अदर दूसरे जो समाज हैं उनमें भी उतना ही भाईचारा, प्रेम और व्यवहार बना। बहरहाल हर साल की तरह इस साल भी परशुराम जी की जयंती पर भव्य आयोजन किए जाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।